सुबह 5:30 बज रहा है और विनय आराम कर रहा है और फीवर इसका हल्का हल्का उतर गया है। और अभी कुछ देर में हम लोग जा रहे हैं विनय को सुई लगवाने, बिकॉज सेकेंड वाला डोज बाकी है। और ऐसे लेटा था इसके बगल बिकॉज मन नहीं लग रहा था कहीं और सोने का, तो दोपहर में थोड़ी देर के लिए लेट गया था। और अभी कुछ देर में निकल रहे हैं, इसको जा रहे हैं सुई लगवाएंगे और फिर इसको जूस पिलाएंगे। और फिर और कुछ खाना है? और इसको कुछ नहीं खाना है, इसको तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें करेंगे गाइस, तो आज का यही प्रोग्राम अभी फ़िलहाल है, बन रहा है, और जैसा भी होता है आपको बताएंगे। आई होप सारी चीज़ें बेटर हो। लो लल्लू लो लल्लू लो लल्लू पैसे और रुपए के बल पे चाहे जो करवा लें किच। सो गाइस केला वेला खिला देते हैं विनय को और खुद भी खा लेते हैं एक दो, और फिर लेके चलते हैं इसको इंजेक्शन के लिए। डोलो को स्वस्थ हो जाओ बाबू। क्या हुआ? बैग में ही लगवा लेगा, लेट जाएगा, करवट लेट जाएगा, लग जाएगा। नहीं, वो जैसे अगर हाथ में दर्द हो रहा हो, उसके तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो आप अपने मतलब की बट्स पे लगवा सकते हो। भाई सुई कहाँ लगाओगे, हाथ में कि या पीछे? रेडी कौन सा है, कौन सा तैयार है क्या भाई? बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है गौन। सब्जी लेने चल रहे हैं, शाम हो गई है, लगभग 5:30 हो गई। सब्जी लेकर के आते हैं बाजार से, मम्मी भी हैं पीछे, और सब्जी सारी चीजें लेकर के फिर उसके बाद चलते हैं बिना कुछ सुई लगवाने हॉस्पिटल। भैया गोभी 35 रुपये लगाई हुई दे दीजिए, वो आ जाए। खीरा दे दीजिए, चुकंदर भी दे दीजिए, और ये शिमला मिर्च भी दे दीजिए। 20 रुपया का 1 किलो और 50 का 2.5 किलो, मान लीजिए 20। 1 किलो प्याज दे दीजिए, 1 किलो टमाटर दे दीजिए, और दे दीजिए अदरक। जल्दी चलिए, मैं बीमारी पड़ जाऊंगा। ज्यादा बड़ा ले को मेरे पीछे आते हो। 1 किलो सरपुतिया दे दीजिए। लौकी लेंगे मम्मी? 1 लौकी दे दीजिए, इतनी ढेर सारी लौकी। तो गाइस हम लोग बाजार से आज बहुत सारी चीजें ले ली हैं, सरपुतिया लिए, भिंडी लिए, लौकी लिए, प्याज लिए, आलू लिए, और एक खास चीज़ लिए है गोभी का पौधा। तो ये ढेर सारा गोभी का बेरन है, इसको चल के घर पे लगाएंगे। यहाँ तो मेरी सांस लेना मुश्किल हो रहा है मुझे एकदम। अब जल्दी भागते हैं घर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी आ जाओ, चलो सुई लगवाने, जल्दी उठ जाओ, उठ जाओ यार। 3 2 1 खड़े हो जाओ। सो गाइज आ गए हैं सुई लगवाने के लिए विनय को, देखते हैं अगर कोई है कि नहीं है। विनय ने सुई को छुआ लिया है, मतलब लगवा लिया है, और अब काफ़ी बेटर फील कर रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं हॉस्पिटल से घर। चलो बाबू चलो, जूस पियोगे? आराम से जूस पियोगे? हाँ, दर्द हो रहा है। चलो अब सुई लगवा लिए हैं, तो चलो अब जूस पिलाता हूँ तुमको। बढ़िया मौसम्मी का कि अनार का कि किसका? चलो अनार का जूस पिलाता हूँ। क्या एक अनानास और एक क्या है अनार? हाँ लो भी अनार का। तो मस्त हम लोग अनार का और पाइनएप्पल का जूस पी रहे हैं, और अभी पीते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं घर। सो गाइस वो भाई कौन जो बदला बदली ना करे, तब मैं अनार का पी रहा हूँ और ये पी रहा है पाइनएप्पल का, और हम लोग अब बदला बदली करके पी के अब निकलते हैं जल्दी से घर। सो गाइस एक चीज हुई है आज, मम्मी अपना फेसबुक चला रही थी, तो उस फेसबुक पे एक उन्होंने रील देखा, मतलब एक वीडियो देखा, तो उस वीडियो पे जो है एक कमेंट उन्होंने पढ़ा, तो वो पूरा मम्मी इलेबोरेट करेंगे क्या था, क्या देखा था मम्मी आपने, बताइए सबको। उस यूट्यूबर की बीवी राखी बांधने अपने मायके नहीं जा पाई। हाँ। नहीं ले जा रहा था। हाँ। मतलब हस्बैंड हस्बैंड जो होता है वो अपनी वाइफ को उसके भाई के यहाँ नहीं ले जा रहा था, तो वो रो रही थी। हाँ। तो वो सबसे पूछ रहा था। हाँ। कि दोस्तों बताइए ये रो रही है, बहुत दूर है इनका मायका, तो मैं कैसे लेके जाऊँ, अब इन्हीं को आप ही लोग समझाइए इनको। हाँ। तो उसी में कमेंट मैंने सोचा ला कमेंट देखूं। हाँ। क्या देखे क्या लिखते हैं। हाँ। तो उसी में बहुत सारे मतलब
जैसे मैंने कमेंट खोला है एक दो देखा हाँ। उसी में एक लोग कह रहे हैं हाँ। तो ले जा माला मतलब कहा कि तो ले जाओ उनको ले जाओ बानर मतलब उनके पति को कहे बानर ले जाओ ए बानर तुम ले जाओ। सो गाइस ऐसे ऐसे कमेंट्स ऐसे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कभी कभी मैं तो खुद के लिए डरता हूँ कि मेरे में क्या कमेंट्स मिलेंगे। सो गाइस बिना दवा खाने जा रहा है और हम खाना है खाना हैरिस को भी दे दिए हैं। हैरिस पता नहीं कहाँ गए खाना रखा हुआ है और खुशी दवा निकाल दो उसका दवा दे दे रहे हैं उसका सारा निकला हुआ है इंजेक्शन तो और वो रखे हुए हैं ना सारी दवाइयां मैं निकाल रहा हूँ एक एक करके दे देता हूँ इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून एंड वॉचिंग माई वीडियोज एवरी सिंगल डे और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस सफ़र को मेरे जीवन तक चलने दीजिए। मैं हर दिन कोशिश करूँगा कि एक अच्छा ब्लॉग दूँ और मेरा जीवन जैसा बीत रहा है मैं वैसा ही देना चाहता हूँ आपको। सो गाइज कल मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ एक नए दिन के साथ और विनय के लिए एक बेहतर दिन के साथ। मैं विश करता हूँ कि कल अच्छा रहे उसका दिन। सो बाय गाइज गुड नाइट। तो इसकी सेफ कीपिंग के लिए मैं इसके पास सोया हुआ हूँ आज रात में और इसको पकड़ के सोऊंगा आराम से। हम दोनों भाई इस तकर पे सोए हैं और फिर सोते हैं गाइज। तीद आ रही है हल्की हल्की और ख़ास करके इसका सोना ज़रूरी है इसका आराम करना ज़रूरी है और इस प्यारे से बच्चे की दुआ करिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। गुड नाइट कल मिलते हैं ठीक है।